कि कई बार हम कह देते हैं ना ब्लैंक हो गए। टीचर कई बार कहती है कि फिजिकली आप प्रेजेंट हो, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। हैव यू एवर यू नो ऑब्जर्व दिस सिचुएशन? कभी ऐसी सिचुएशन आपने फील की है? किसके पीरियड में, कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा ये कह होता है? के पीरियड में, कि भाई हम खो जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? कहीं और चले जाते हो, है ना? तो उस टाइम मुझे ये बताओ कि जब आप वो ब्लैंक हो जाते, ब्लैंक इन द सेंस ये नहीं कि भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा। ब्लैंक मतलब शून्य में चले जाना, कहीं आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो 10th B मुझे आप बताओगे कि क्या उस टाइम टीचर की आवाज आपके कानों में जा रही होती है कि नहीं? क्या आप सुन सकते हो टीचर ने क्या कहा? जब आप कई बार, मेनी टाइम्स, नॉट ओनली विद यू, अदर पीपल ऑल्सो, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार हम लोग बैठे हैं तो मेरा ध्यान कहीं और चला गया, तो पास वाले की आवाज जो वो बोल रहे हैं क्या हमें समझ में आती है? यस और नो? 10th B? नहीं, हमें पता ही नहीं चलता टीचर ने क्या कह दिया है कि नहीं। एकदम आराम से सीधे होके बैठो बेटा, सीधे, सिट स्ट्रेट, राइट? जितना सीधा बैठोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ में भी आएगी, मेंटली आप प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम गुम हो जाते हैं, हमारे दिमाग में नहीं जाता। एंड समटाइम्स जब आप किसी फंक्शन में गए, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, यस और नो, हाँ है ना? बट आप जिससे बात कर रहे हो सिर्फ वही बात समझ आती है, यस और नो? ठीक है, चलिए अनदर सिचुएशन, कि आप जो है अपने फोन पे काम कर रहे हो। काम क्या करना है? गेम खेल रहे हो, है ना? काम कम होता है फोन पे, गेम ज्यादा होती है। और मम्मा किचन में से आवाजें लगाती है, खाना ले लो, खाना ले लो। तो वो आपको कई बार अब ऐसा होता है कि आवाज नहीं सुनती, है ना? और फिर मम्मी आके जब डांटती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, इतनी देर से मैं आवाज लगा रही हूँ, और तुम, हमारे थोड़े से ट्रेडिशंस है, हमारे संस्कार है कि हम मम्मा को उल्ट में जवाब नहीं देते, हमने सुना ही नहीं। बट आप मन में सोचते हो कि मम्मी ने कब आवाज दी? होता है ना ऐसे, है ना? ऐसा भी होता है। दूसरी अनदर सिचुएशन, कि हम कहीं जा रहे हैं, हम सैर कर रहे हैं, लेट अस से, है ना, वॉकिंग है, बट हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस है, लेट अस से कल के एग्जाम का स्ट्रेस है ना? आप वो चीजें सोच रहे हो, सोच रहे हो, आपके आसपास में से कौन, देख तो रहे हो आप, बट आपके आसपास में से कितने लोग चले गए, कौन कौन चला गया, वो आपको कई बार नहीं पता चलता, यस और नो, है ना? आपको यू फील दैट यू आर मूविंग अलोन, नोबडी इज देयर। तो बेटा मुझे अब ये बताना है, बॉयज इधर बेटा ध्यान से, कॉपियां छोड़ दो, सबको छोड़ दो, लिसन हियर, और सीधे होके बैठो, टेबल पे लीन नहीं करना बेटा, है ना? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड होती तो नहीं है सीधी, बट हमें जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको सीधा रख के स्पाइनल कॉर्ड को अपनी पोजीशन पे रखना है। बिकॉज अगर स्पाइनल कॉर्ड हम सीधे हैं, स्पाइनल कॉर्ड अपनी पोजीशन पे है, तो इट मेंटेन्स द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। जब हम ऐसे ऐसे ऐसे, जब हम ऐसे हो जाते हैं बेटा, तो ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी सी बंद हो जाती है, पूरी इंपल्सेस नहीं पहुंचती। चलिए, तो वी आर सी कि हम जब आसपास में लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, अभी भी अगर आप अपनी फ्रेंड से बातें कोई कर रहा है तो उस फ्रेंड्स की बात जा रही है दिमाग पे, मेरी तो आवाज ही नहीं जा रही, जबकि कानों के अंदर तो साउंड जा रही है। तो फिर व्हाई वी आर नॉट एबल टू लिसन? हमें जब हम फोन पे काम कर रहे हैं तो हमें मम्मी की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती, जबकि जो वाइब्रेशंस है साउंड की, आपने 9th में साउंड किया है, तो जो वाइब्रेशंस है वो तो ट्रेवल करके, एयर में ट्रेवल करके आपके कानों के अंदर गई, तब भी हम नहीं सुन पा रहे, तब भी हमें नहीं सुनाई दिया, ऐसा क्यों? यस, एनीबडी हु कैन टेल मी? जल्दी से, आंखें हैं बट फिर भी हमें बहुत सारी चीजें हम मिस कर देते हैं, हमारा दिमाग कहीं और है तो हमें दिखाई नहीं देता,
ठीक है, आप मूवीज में भी देखते हो कि कोई हीरो जो है वो टेंशन में जा रहा है जा रहा है, और सामने से एकदम ट्रक आ गया और उसने ब्रेक लगाई, एक्सीडेंट हो गया। क्यों भाई, इतना बड़ा ट्रक सामने से दिखाई क्यों नहीं दिया? यस, एनीबडी हु कैन टेल मी, जल्दी से, फिर मुझे नाम लेके बुलाना पड़ेगा। यस ऋषभ, 10th है, ऋषभ इज देयर। आजा बेटा माइक के पास आ, जल्दी से, कम क्विकली बेटा, पीछे ना भेजो, पीछे नहीं, फिर इसकी ना माइक की आवाज जो है वो जो तार है ना वो हिल जाएगी। चलो अभी तो यहाँ रख लो। हाँ क्योंकि हमारे ब्रेन वहां पे नहीं होता मैम, वो कहीं और सोच बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताओ, क्या हम आंखों से देखते हैं कि ब्रेन से देखते हैं? रहा होता नहीं, हम ये कहेंगे बिल्कुल ठीक है, आपने आंसर मुझे पहले का ठीक दिया, बैठो ऋषभ, वेरी गुड। तो क्या है कि आईज आर ओनली अ रिसीविंग पॉइंट, उसने सिर्फ रिसीव की है लाइट, अदरवाइज हम आंखों। देख रहे हैं वो किससे देख रहे हैं? ब्रेन से देख रहे हैं। हम सुन रहे हैं किससे सुन रहे हैं? ब्रेन से सुन रहे हैं। खाली आंखें या खाली कान जो है वो कुछ नहीं कर सकते, राइट? ब्रेन के बगैर जो आंखों को प्रॉब्लम्स हो, कान की प्रॉब्लम हो, वो ठीक की जा सकती है। बट व्हाई सम पीपल आर ब्लाइंड, सम पीपल आर डेफ, व्हाई? बिकॉज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज नॉट फंक्शनल, द न्यूरॉन्स, द नर्व्स, दे आर नॉट फंक्शनल। हम कॉर्निया, आंखों का जो कॉर्निया है वो चेंज कर सकते हैं, आंखों में जो लेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं, ईयर में जो ईयर ड्रम है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, बट जो नर्वस पार्ट है, क्योंकि न्यूरॉन्स दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट रीजनरेट, वो रीजनरेट भी नहीं करते अगर डैमेज हो जाए। तो दैट्स वाई इफ द न्यूरॉन्स दे गेट डैमेज, देन द पर्सन लूजेस द स्पेसिफिक सेंसरी एक्टिविटी। ऑल्दो आपकी बाजुएं, हमारी बाजुएं, हमारी टांगे काम कर रही है, बट अगर उनकी नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम चल नहीं पाएंगे। दे आर देयर, अवर आर्म्स आर देयर, अवर लेग्स आर देयर, बट अ पर्सन कैन नॉट मूव। व्हाई कैन नॉट मूव? बिकॉज द स्पेसिफिक नर्व्स, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज डेड, इट इज नॉट फंक्शनल, राइट? इट मीन्स, ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट फंक्शनल ना हो तो सारा देश जो है वो सब क्या हो जाएगा? तितर बितर सा हो जाएगा, वो सब इनडिसिप्लिन सा हो जाएगा, राइट? लाइक वाइज द सेंटर ऑफ अवर बॉडी इज द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, वेरियस सेंस ऑर्गन्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द वेरियस सेंस ऑर्गन्स? अगर ब्रेन सब काम कर रहा है तो सेंस ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है? 10th बी, यस, चाहत, 10th बी चाहत, यस चाहत, कम फॉरवर्ड क्विकली। हम कह रहे हैं ब्रेन से सुनते हैं, ब्रेन से देखते हैं, ब्रेन से चलते हैं, तो फिर ये आंखें, कान, नाक, ये किस लिए है? वट इज द फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स देन? रिसीवर दोबारा से जोर से। हाँ रिसीव मुझे नहीं समझ में आई, आप अपना माइक उठाओ और फिर बताओ। हाँ, और क्लियरली बताओ, एक लाइन, पूरा सेंटेंस बोलो। हाँ देखें रिसीव यस, दे रिसीव द इम्पल्सेस, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं? सिर्फ उनमें रिसेप्टर्स है, रिसीव करते हैं वो इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, ब्रेन की तरफ भेजते हैं, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये सिग्नल किस लिए आया है, फिर उसको मैसेज में कन्वर्ट करता है कि ये सिग्नल आया है, अब बॉडी ने ये काम करना है। सो हमारे पास क्या है? रिसेप्टर्स है, ठीक है? हम पहले वी हैव
रिसेप्टर्स, राइट। उसके बाद रिसेप्टर्स रिसीव, रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है बेटा? दे रिसीव द सेंसरी सिग्नल या इम्पल्स, और कोई भी सिग्नल यू कैन से। एक तो रिसीव करते हैं, और दूसरा काम वेरी इंपॉर्टेंट, पहले समझो फिर लिखना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रिसेप्टर्स। बुक्स बंद कर दो, बुक्स की हमें जरूरत नहीं है। क्लोज योर बुक्स, वी डोंट नीड बुक्स, वी रिक्वायर ओनली योर ब्रेन। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद, वी रिक्वायर द एक्टिवेटेड ब्रेन इन कोऑर्डिनेशन विद आईज एंड ईयर्स। ठीक है, जब तक आईज एंड ईयर्स नहीं होंगे तो इंपल्सिस नहीं ना जाएंगे, तो फिर ब्रेन भी क्या काम कर लेगा? तो सेंसरी ऑर्गन्स वर्क अलोंग विद द ब्रेन और वाइस वर्सा। ठीक है जी, 10th B में जो बॉयज है बेटा, सीधे होके सेकेंड बेंच पे है ना, और इधर बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान, सीधे होके। ठीक है, दे रिसीव द फंक्शन क्या है? पहला है रिसीविंग ऑफ द सेंसरी इम्पल्स, और दूसरा फंक्शन है इसका वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ सेंसरी इम्पल्स। जरूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट से ही है, बहुत सारे रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर भी है। ठीक है, वो अंदर के एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट से वो इम्पल्स लेते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो सिग्नल्स है सिर्फ एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, नहीं, हमारे अंदर भी है। आई विल गिव यू एग्जाम्पल, राइट। बट रिसीव द सेंसरी इम्पल्स, कन्वर्जन ऑफ सेंसरी इम्पल्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्योंकि जो सेंसरी इम्पल्स है वो कैसी हो सकती है? केमिकल्स भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम खाना खा रहे हैं, हमारी टंग पे रिसेप्टर्स है, ठीक है, वो कौन से रिसेप्टर्स है? कीमो रिसेप्टर्स है, क्योंकि वो केमिकल्स के साथ बाइंड करते हैं। हमारे नोज में रिसेप्टर्स है, वो भी कीमो रिसेप्टर्स है, क्योंकि वो भी केमिकल से बाइंड करते हैं। बट जो ईयर में इम्पल्सेस जा रही हैं, वो है मैकेनिकल वेव्स है, जो साउंड वेव्स है वो मैकेनिकल वेव्स है, इसलिए वहां पे जो रिसेप्टर्स है वो मकैनो रिसेप्टर्स है। बातें बिल्कुल भी नहीं, बातें करोगे तो मेरे साथ, आपस में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो मकैनिकल रिसेप्टर्स है। तो हमारे पास जो सेंसरी इम्पल्सेस है बेटा, वो केमिकल भी हो सकती है, वो फोटो इम्पल्सेस भी हो सकती है जो आंखों में जा रही है, मैकेनिकल इम्पल्सेस भी हो सकती है जो कानों में है, हम यहाँ पे पिंच करते हैं, टच करते हैं, हॉट वार्म, ये सब क्या है? मैकेनिकल इम्पल्सेस है। ठीक है, बट जो रिसेप्टर्स है वो तो कोई भी इम्पल्स रिसीव कर लेते हैं, सिग्नल रिसीव कर लेते हैं, बट केमिकल सिग्नल सीधा नहीं ब्रेन में जा सकता, फोटो सिग्नल सीधा ब्रेन में नहीं जा सकता, वो किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल करंट में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, है ना? हमारे अंदर भी करंट ही फ्लो कर रहा है, राइट? तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है? सेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्योंकि हमारे सेंटर में प्रेजेंट है ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज ब्रेन, और ये जो है
दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फिर आप ये नोट करना। जैसे मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, तो हमारे पास हम कहते हैं एक्सटीरो रिसेप्टर्स, एक और तरह के भी होते हैं, बट यहाँ पे मैं दो ही बताऊंगी, एक्सटीरो एंड एंडो रिसेप्टर्स। एक्सटीरो रिसेप्टर्स रिसीव एनवायरमेंटल स्टिमुलस, एंडो रिसेप्टर्स रिसीव इंटरनल सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी। बेटा कोई मुझे एंडोरिसेप्टर्स की कोई एग्जाम्पल बता सकता है? वेरी गुड। कोई एक स्टूडेंट 10th A में से, बोलते नहीं हो वैसे, कि खुद आओ सामने, आता है आपको, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। यस सुखलीन, सुखलीन इज देयर। हाँ जी बेटा सुखलीन बोलो। कोई एंडोरिसेप्टर्स की कोई एग्जाम्पल, यस और नो, जल्दी से मुझे बताओ, पता है कि नहीं? नहीं। बैठो 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 बैठो। एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी? इंदरप्रीत 10th A, भाग करो भाग कर। वेरी गुड। यस मैम, बोलो एंडोरिसेप्टर की एग्जाम्पल बताओ कोई। मैं पेन भी टच अ वॉर्म ऑब्जेक्ट, इट स्टिमुलस टू आवर बॉडी एंड इट। सुनो सुनो इंद्रप्रीत, ये एक्सटर्नल है, जब आपने बाहर हाथ लगाया गर्म लगा तो वो तो बाहर का स्टिमुलस है। हमारी अंदर बॉडी में कोई रिसेप्टर्स है जो रिसीव करते हैं किसी सिग्नल को? मैम इज इट ब्रेन? नहीं, ब्रेन सीधा नहीं रिसीव करता, वो तो इंटीग्रेटर है। अच्छा बैठो, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, बैठो बेटा। आप नाक बंद करो जरा, मुंह भी बंद करो और नाक भी बंद करो, करो जरा एवरीबॉडी। कितनी देर तक कर सकते हो? खोल लो, जब मुश्किल हो खोल लो। फ्यू सेकेंड्स, यस और नो, है ना? क्यों आपको एकदम मुंह क्यों खोलना पड़ता है, या नाक से उंगली क्यों हटानी पड़ती है? क्योंकि ब्रेन ने कहा। ब्रेन ने क्यों कहा? क्योंकि उसको ये पता चला कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया है। कैसे पता चला? कि हमारी बॉडी में जगह जगह क्या प्रेजेंट है, कीमो रिसेप्टर, CO2 डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल, याद करने की जरूरत नहीं बट थोड़ा सा पता जरूर होना चाहिए, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स में CO2 डिटेक्ट कर रहे हैं रिसेप्टर्स, कितना CO2 है। ब्रेन को मैसेज भेज रहे, CO2 बढ़ गया, सांस लो तेजी से। ब्रेन हमारे लंग्स को कहता है भी तेजी से सांस लो, है ना? आप हिल्स में जाओ, कहीं भाग के आओ, तो योर रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। कैसे? क्योंकि CO2 बढ़ गया। ब्रेन को कैसे पता चला? ब्रेन को पता चला, किसने इंफॉर्मेशन दी? रिसेप्टर्स ने। हमारी बॉडी में टाइम टाइम पे ब्लड प्रेशर, कभी हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। कैसे? किसने ठीक किया? ब्रेन ने। कैसे पता चला उसको कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है? उसको रिसेप्टर्स ने बताया। ठीक है, गर्म ठंडी चीज, एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। क्या सुन रहे हैं? एक्सटर्नल रिसेप्टर्स। ये सब एक्सटर्नल, बाहर का स्टिमुलस ले रहे हैं, बट हमारे अंदर भी बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जो कौन रिसीव करता है? एंडो रिसेप्टर्स। इज इट ओके? समझ में आई? ठीक है, जल्दी से लिखो क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या, फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स, राइट डाउन फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स जल्दी से, 1 मिनट, क्योंकि बेटा बुक में दिया हुआ है आपको पता भी है, बट क्वेश्चन आ जाएगा फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। सिर्फ हमें एक ही चीज याद आती है कि दे रिसीव द स्टिमुलस, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपने, क्विक जल्दी से, रिसीव स्टिमुलस, कन्वर्जन ऑफ स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, सेंड द इंपल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा क्या प्रॉब्लम है 10th A में, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैम एक्चुअली आई एम नॉट वेल, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। जाओ मैम, मैम से बात करो और आप जा सकते हो सुबह सुबह, क्या बात हो गई? चलिए 10th B क्विकली। चलिए 10th A फटाफट से। बी एक्टिव, जैसे ही काम हो जाए फटाफट से हैंड्स रेस कर दो कि हमारा हो गया, ताकि मुझे पता चले। वेरी गुड, 10th B ने कर लिया, 10th A जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 10th A, बस आगे की ये गर्ल्स कर लें थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, 10th B में से टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स बेस्ड ऑन फंक्शन, कि कोई स्मेल ले रहा है, कोई फोटो ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, वो कौन बताएगा मुझे? यस वेरी गुड सौरभ, 10th A सौरभ इज देयर, यस हाँ जी बेटा मुझे ये बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आईज में फोटो रिसेप्टर्स है, दे रिसीव द स्टिमुलस ऑफ लाइट, ठीक है। और कौन से, हमारी टंग पे कौन से रिसेप्टर्स है? हाँ जोर से बोलो, किसी की सुननी नहीं है, आपने बताना है क्या करते हैं हमारे। हाँ होता है। टेस्ट रिसेप्टर्स है कानों में, बेटा उधर नहीं देखना, फ्रेंड्स को नहीं देखना, छोड़ो अपना। और कानों में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? कानों में सीवर्स होते हैं। साउंड रिसेप्टर्स है, हम इनको क्या बोलते हैं, चलो अभी बताएंगे। नाक में कौन से है? बेल करने के लिए, बेल नोज में कौन से है? दोबारा से, स्मेल स्मेल करने के लिए। रिसेप्टर्स। बैठो बेटा सौरभ बैठो। हाँ जी द गर्ल, हाँ जी, इनके बेटा कुछ साइंटिफिक नेम्स बताओ 10th A। हाँ मैम फॉर टेस्ट इट्स गुस्टेटरी रिसेप्टर्स, फॉर ईयर्स इट्स फोनो रिसेप्टर, एंड फॉर आईज इट्स फोटो रिसेप्टर्स। यस, हम मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये सारा आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स। नहीं किसी को याद आता एग्जाम में गस्टेटो रिसेप्टर्स, कोई बात नहीं, राइट डाउन टेस्ट रिसेप्टर्स। बट ये तो ठीक है, बट साथ में आ जाए कि टेस्ट रिसेप्टर्स या टंग में कौन से रिसेप्टर्स है, एमसीक्यू में आ जाए और गस्टेटो रिसेप्टर्स लिखा हो, तो आपको इतना आइडिया तो होना चाहिए। देन
फोनो, फोन करने वाला, सुनते हो फोन से, इट इज प्रेजेंट इन, यू कैन से साउंड रिसेप्टर्स। अनदर इज फोटो रिसेप्टर्स, लाइट रिसेप्टर्स। देन अनदर इज स्मेल, हम उनको क्या बोल देते हैं, ऑल्फैक्ट्री। स्मेल रिसेप्टर्स, हॉट एंड कोल्ड, थर्मो रिसेप्टर्स या टेम्परेचर रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर्स या गस्टेटो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? टंग में, ये नोज में। दिस इज प्रेजेंट इन आईज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फोनो रिसेप्टर्स है ना, ईयर में प्रेजेंट है। देन ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स इन नोज, थर्मो रिसेप्टर्स इन स्किन। इनका काम सिर्फ क्या है, स्टिमुलस को लेना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेज देना। सेकेंड पार्ट आ जाता है बेटा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का? इसका फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस इनटू, किसमें, इनटू मोटर मैसेजेस। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि उनको रिसीव करना और कन्वर्ट करना, सेंसरी इंपल्स को रिसीव करना और उनको मोटर मैसेज में कन्वर्ट करना। और दूसरा फंक्शन है सेंड, मोटर मैसेजेस टू इफेक्टर्स, सेंड मोटर मैसेजेस टू इफेक्टर्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स, ब्रेन आपको दिख रहा है, दिस इज ब्रेन, दिस इज येलो पोर्शन, इज दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। दोनों पार्ट है, सिर्फ ब्रेन नहीं है, इट्स बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंटीग्रेशन सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करती है, उसको इंटरप्रेट करती है भी, ये क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज आया है, इंटरप्रिटेशन एंड कन्वर्जन। ठीक है, इंटीग्रेशन का अगर मतलब नहीं पता, अपनी कॉपी असाइनमेंट के ऊपर लिख लेना, इंटरप्रिटेशन एंड कन्वर्जन, किसी चीज को इंटरप्रेट करना। दैट इज इंटीग्रेशन, और फिर उसको भेजना इफेक्टर्स में। इज इट क्लियर? लिख लिया ये फंक्शन? ये तो चलो आपकी बुक में भी है, आपने किया भी होगा। कर दूं मैं इसको, रब कर दूं बेटा? यस। चलिए जी, अब हमने तीसरी बात की है बच्चे, इफेक्टर्स की।
यस, हु विल टेल मी व्हाट आर फैक्टर्स? यस, 10th बी, अनमोल, अनमोल इज देयर 10th बी? यस अनमोल, टेल मी व्हाट आर, पहले तो मुझे बताओ इफेक्टर्स क्या है, को हमारी बॉडी में कहाँ पे है इफेक्टर्स? देखो मेरी बात सुन लो, फिर शायद आपको पता हो। मसल्स एंड, कोई और नहीं बताएगा बेटा, ये मुझे पता चल जाता है कि बताया किसी और ने है, तो लेट अनमोल टेल। हाँ जी अनमोल, मसल्स एंड नर्वस बेटा, नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम, ये तो इंटीग्रेटर आ गया जो हमने पहले किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन्होंने जिसको मैसेज भेजा वो है इफेक्टर्स। तो एक तो मसल्स आ गए, और कौन सा आया? यस एनीबडी हु कैन टेल मी, 10th है। हाँ जी बोलो, आता है कि नहीं आता ये बताओ, यस और नो? यस 10th ए को आता है, बोलो जरा जल्दी से फिर बताओ बेटा। एनमोल बैठो आप। यस, वन इज मसल, सेकंड इज 10th बी। यस सेकंड, जोर से बोलो। हाँ मुझे विडो, एक मिनट, हाँ अब बोलो। हाँ डोंट यू डोंट नो, चलिए तो इफेक्टर्स, रिमेम्बर दैट, क्या इनका क्या फंक्शन है? पहले बात तो ये, दे रिसीव, मोटर मैसेजेस फ्रॉम सीएनएस एंड देन एक्ट, ये आगे एक्ट करते हैं। इनका तो है क्या है इफेक्टर्स में? तो सेकंड आ जाता है कि मसल्स है एंड ग्लैंड्स आर इफेक्टर्स। बेटा देखो, आपको किसी पड़ोसियों के घर में बड़ा अच्छा खाना बन रहा है, तो क्या आई? बहुत सारे केमिकल्स की फ्रेग्रेंस आपको आ गई, है ना? नोज के थ्रू ब्रेन में गई, राइट? बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है। यस मुंह में पानी आना क्या है? सिक्रीशन ऑफ मोर ऑफ सलाइवा। मुंह में कहां से पानी आ जाएगा, सलाइवा ही आएगा ना? तो वो सलाइवा किसने सिक्रीट किया? सलाइवरी ग्लैंड्स ने। तो जो कीमो रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा, वहां से जो मोटर मैसेज किसके पास आया? सलाइवरी ग्लैंड्स के पास, और उन्होंने ज्यादा सा सलाइवा सिक्रीट, राइट और नॉट? ठीक है, हमने खाना खाया, ठीक है, बहुत सारे हमारे अंदर रिसेप्टर्स है, हमारे स्टमक में रिसेप्टर्स है, उन्होंने ब्रेन को मैसेज भेजा कि खाना आ गया है, तो ब्रेन ने हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को मैसेज दिया कि नो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। हमने खाना खाया नहीं और बहुत सारा एचसीएल सिक्रीट हो गया, तो क्या करेगा वो? तो हमें एसिडिटी करेगा, वो तो हमारी स्टमक को खराब करेगा, करोड़ कर देगा, इतना कंसंट्रेटेड एचसीएल होता है। सो एचसीएल इज नॉट सिक्रीटेड ऑल द टाइम। व्हेन इट इज सिक्रीटेड? व्हेन वी ईट द फूड हैविंग प्रोटीन्स। हमने स्टार्च खाया तो एचसीएल नहीं बना, कब बना? जब हमने ज्यादा प्रोटीन्स खाए, इज इट राइट? ठीक है, तो हमने प्रोटीन्स खाए तभी पेप्सिन बना, हमने प्रोटीन्स खाए तभी ट्रिप्सिन आया, ठीक है, हमने कार्ब्स खाए तो अमाइलेस आया। ये नहीं कि सारे के सारे जो है एक ही फूड पे एक्ट कर देंगे, नहीं, जो कंपोनेंट्स फूड में प्रेजेंट है वही एंजाइम, क्योंकि ब्रेन ने उन्हें ही मैसेज भेजा है। सो व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स आर मसल्स एंड ग्लैंड्स, दे रिसीव मोटर मैसेजेस फ्रॉम सीएनएस एंड देन एक्ट, राइट डाउन व्हाट आर इफेक्टर्स, है ना?
जल्दी से, फंक्शन ऑफ इफेक्टर्स, टाइप्स ऑफ इफेक्टर्स, दो ही है इफेक्टर्स के टाइप्स, मसल्स है, ग्लैंड्स है। जल्दी से जिनका हो जाया करे रेज योर हैंड्स, जल्दी से मुझे पता चल जाएगा। वेरी गुड, 10th A का हो गया, 10th B क्विकली, वेरी गुड वेरी गुड। बॉयज नहीं कोशिश करते हो, कहते लड़कियां कर लेंगी, बस लड़कियों ने कर लिया हमने कर लिया एक ही बात है, ऐसा तो नहीं है? है ना, हम यूनिवर्सिटी में थे ना, तो हमारी क्लास में जो बॉयज थे वो डिपेंडेंट हमारे नोट्स पे ही रहते थे कि लड़कियां लिख लेंगी चलो फिर हमें नोट्स दे दो। बट यहाँ पे बेटा यूनिवर्सिटी की बात कुछ और है, बट यहाँ पे खुद करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। तो ब्रेन जैसे कि हम ये दिखा रहे हैं, है ना, ये देखो मैं एक मॉडल भी दिखा देती हूँ आपको, कैन यू सी? बस यहाँ पे ये देख लो कि ये मेरा ही ब्रेन है, फोर हेड या फोर ब्रेन, ठीक है, या ये अगले वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है, और ये पीछे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ठीक है, और इसी से ही यहां से क्या निकलेगी, स्पाइनल, ठीक है। और ये कौन सा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, मेडुला नजर आ रहा है, मेडुला से एक्सटेंड करती है स्पाइनल को, राइट। और ये पार्ट हम कौन सा देख रहे हैं, ये हम साइड से देख रहे हैं, कैन यू सी, हम ये देख सकते हैं ये साइड से, यस और नो? तो ये सारा फोर ब्रेन है, ये सारा जो है फोर ब्रेन है, जहां से हम सोचते हैं, जहां से हम समझते हैं, जहां से हम बोलते हैं, जहां से हम सूंघते हैं, राइट, ये सारा है फोर ब्रेन। उसके बाद ये क्या है, ये है सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ये नीचे क्या है, मेडुला ब्लोंगेटा पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। बट अगर हम यहां पे देखें, अगर हम ये वाला पोर्शन देखें, इधर वाला, सिर्फ इधर वाला, तो दिस इज मिड ब्रेन, राइट। तो हमारा मैक्सिमम पार्ट ब्रेन का कौन सा है, फोर ब्रेन का पार्ट है। यू कैन सी दिस, दिस इज सेरिब्रम फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला एंड सेरिबेलम, ये जो है दिस इज हिंड ब्रेन, ठीक। ये हिंड ब्रेन है, दिस इज मिड ब्रेन, और ये सारा जो है सेरिबेलम, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट दिस इज फोर ब्रेन, और मेडुला से नीचे एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड, यस और नो? ठीक है। और उसके बाद हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन सा है, 10th B? बॉयज में से आवाज आए, जरा जोर से बोलना, मुझे सुन जाएगी यहाँ पे। विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? यस बॉयज, जल्दी से, मैम इनको आता नहीं कि ये बोल नहीं रहे, यस बॉयज, बोलते नहीं हो, द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। लिख लो, जिसको नहीं पता वो लिख लेना, जिसको पता है उसकी जरूरत नहीं है, बट न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज दैट, 9th का क्वेश्चन है बेटा ये, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मेरे साथ आपने डायग्राम भी बनाना है क्योंकि ये आ सकता है। एवरीबडी,
एवरीबडी शुड ड्रॉ। डेंड्राइट्स, साइटोन या सेल बॉडी। एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स। दिस इज माइलिन शीथ, फैटी टिश्यू है। दिस इज माइलिन शीथ और सेल बॉडी में न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसलिए बनाया, फोटो तो मैंने दिखा दी थी, बट क्योंकि ये आपके एग्जाम में बनाना आ सकता है, और जब हाथ से बनाओगे तो चीजें क्लियर होंगी कि कहाँ पे डेंड्राइट्स है, कहाँ पे नर्व एंडिंग्स है। इनको हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स के एंड पे जो स्वेलिंग है, प्री साइनेप्टिक नॉब्स। प्री साइनेप्टिक नॉब्स, और डेंड्राइट्स की टिप पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसीव करते हैं ये। इज इट ओके, क्लियर है? चलिए, यस मैम। अब हम बात करते हैं बेटा कि लेट अस से फॉर एग्जाम्पल हमारे नोज है। फॉर एग्जाम्पल हम नोज में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स इन नोज रिसीव केमिकल इंपल्सेस। इन्होंने रिसीव की या बाइंड की, कन्वर्ट किया इनटू, बोलते चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वेरी इलेक्ट्रिकल गुड। दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इट बाइंड्स विद रिसेप्टर्स ऑन डेंड्राइट्स। ये न्यूरॉन ए है, इसकी डेंड्राइट्स ने ये इंपल्स रिसीव कर ली। ये इंपल्स डेंड्राइट से कहां पर जा रही है, सेल बॉडी में। सेल बॉडी से जा रही है एक्सॉन में, और एक्सॉन से जा रही है नर्व एंड। कहां पे पहुंच गई, ये आ गई नर्व एंडिंग में। मैंने आपको बताया था प्री साइनेप्टिक नॉब।
यस एवरीबडी शुड, है ना, बोलना है सबने। प्री साइनेप्टिक नॉब में आ गए। अब ये तो एंड है पार्ट है, न्यूरॉन का एंड पार्ट है ये जो स्वेलिंग्स है, प्री साइनेप्टिक नॉब। अब यहाँ पे ये रुक गई क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। नहीं, साइनेप्स तो बाद की बात है, बट इस गैप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है जी, दिस गैप, द गैप, व्हाट इज, लिखो जरा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, द गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स, द गैप बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन्स थ्रू विच द इम्पल्स, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। हाँ जी बेटा, 10th A जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में गर्ल बैठी है, वो बच्चा मुझे बता दे फटाफट से, व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जल्दी से, मैंने अभी अभी बताया आपको। हाँ जी, माइक दो इनको, या खड़े होके माइक के पास आ जाओ, इधर नहीं, हाँ इधर आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बोलो। गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स थ्रू विच, बेटे बाकी उसकी कॉपी में से नहीं देखना है, उसकी कॉपी में से नहीं देखना। हाँ बोलो। थ्रू विच दी सेंसर, थ्रू विच दी सेंसर रिसेप्टर कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड सेंड टू दी नेक्स्ट न्यूरॉन ऑफ देयर ड्राइव्स। नेक्स्ट न्यूरॉन थ्रू विच द, सिंपल है, बैठो बेटा, थ्रू विच द इम्पल्स मूव्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ कैसे इस गैप के थ्रू क्या करंट जंप कर जाता है, कैसे मूव करता है, ये हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से बताती हूँ, फिर मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखा दूंगी। जैसे ही इम्पल्स, ध्यान से सुनना है, व्हेन द इम्पल्स रीचेस दिस नॉब, इट कॉजेस द एक्टिवेशन ऑफ दीज वेसिकल्स। वेसिकल्स आर स्मॉल पॉकेट्स हैविंग, इनके अंदर क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या नाम है उसका, एसिटाइल कोलीन। एक केमिकल है एसिटाइल कोलीन, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। द इलेक्ट्रिकल इंपल्स व्हेन रीचेस द साइनेप्टिक नॉब्स, दे एक्टिवेट दीज वेसिकल्स, दीज वेसिकल्स फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड लिबरेट द न्यूरो ट्रांसमीटर इन टू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दिस केमिकल एसिटाइल कोलीन बाइंड विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ एडजेसेंट न्यूरोन, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। These receptors open these channels and lot of sodium enters in the, you know, dendrites of the adjacent neuron, which create new current in the neuron. दोबारा से, जैसे ही करंट यहां पे पहुंचा, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज करके एसिटाइल कोलाइन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, ये एसिटाइल कोलाइन इन रिसेप्टर से बाइंड किया डेंड्राइट्स पे, और इस जैसे ही वो बाइंड किया, ये चैनल्स, ये दरवाजे खुल गए, और जैसे ही दरवाजे खुले, बहुत सारा सोडियम, क्योंकि बाहर पड़ा हुआ है, बहुत सारा सोडियम अंदर गया डेंड्राइट्स के अंदर और उसने एक्टिवेट कर दिया। दिस इज हाउ
दस प्रोसेस ऑफ साइनेप्स राइट. सो लेट मी शो यू नो कैन यू सी दिस. तो बेटा जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इज, जैसे ही इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो इस साइनेप्टिक नॉब में, प्री साइनेप्टिक नॉब में आया, ठीक है, उसने ये कैल्शियम की चैनल्स खोल दी बहुत सारा. ये आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये कैल्शियम आयंस अंदर आए, ठीक है. कैल्शियम आयंस अंदर आकर उन्होंने इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को एक्टिवेट कर दिया. ये एसिटाइल कोलाइन जो है कहां पे आ गया, ये आ गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट में. और ये पिंक वाले क्या है, रिसेप्टर्स है. एसिटाइल कोलीन बाइंड विद द रिसेप्टर्स, ये देखो यहां पे बाइंड कर गए. और इन्होंने ये देखा आपने, कैन यू सी दिस, कैसे ये चैनल्स खुलती है. आप ये देखना, ये बंद है चैनल्स, दरवाजे ये बंद है, देखना ये खुल गए और बहुत सारा सोडियम आयन्स जो है वो अंदर गया और उसने एक्टिवेट कर दिया. राइट. तो पता चला साइनैप्स के बारे में, ठीक यस मैम. है. चलिए जी जल्दी से, अब हम चार पांच क्वेश्चंस ही करने हैं फटाफट से. मैं नाम बोलती हूँ, जल्दी से बोलना. 10th A रोहनप्रीत, जल्दी से रोहनप्रीत आ जा, जल्दी से असाइनमेंट लेके आ. फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद रमनदीप, 10th A ने ही रमनदीप ने आंसर देना है. सेकंड क्वेश्चन भी देखते जाना, सेकंड रहने दो, अभी थर्ड देखना. हाँ जी बेटा, इंटीग्रेशन क्या है बेटा, कोई और नहीं बताएगा, रोहन विल टेल अस. ब्रेन इंटीग्रेट करता है, क्या करता है, सी बीटा की सी. सी सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. इंटरप्रेट करता है, बैठो बेटा बैठो, इंटरप्रेट करता है और उसको कन्वर्ट करता है. वेरी गुड. नेक्स्ट मैंने किसको कहा, जल्दी से आ जाओ. रमनदीप, क्वेश्चन नंबर थर्ड. नेक्स्ट आ जाना बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. साहिल ने आना है, आ जाओ फटाफट से. थर्ड मैम, थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन. क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सबको पता है मैंने आंसर बताया था. वेरी गुड, बैठो बेटा. साहिल आ जा, फोर्थ क्वेश्चन. देन 10th B हर्षप्रीत, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ. हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बेटा, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है. बैठो बच्चे. डेंड्राइट से सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉनल एंड, बिल्कुल ठीक. नेक्स्ट आ जा बेटा, क्वेश्चन नंबर फाइव. जोर से बोल बेटा, मुझे बिल्कुल माइक अपने मुंह के पास लो, मुझे पता न चले. फर्स्ट नहीं है बेटा. केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास कैसे जाता है, कहां से कहां, दोबारा से देखो. एक न्यूरॉन का ये पार्ट है, दूसरे न्यूरॉन का ये पार्ट है, बताओ बताओ जल्दी से. डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रिटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन. जीवन, यस जीवन. 10th B क्विकली कम, क्वेश्चन नंबर सिक्स. बता दो आंसर, पता नहीं पता होगा कि नहीं. हां जी, ऑप्शन कौन सा बेटा, सी. सी. नहीं बेटा, इन न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल. बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई थी बट उसने केमिकल्स को जो है वो एक्टिवेट किया, एसिटाइल कोलीन को.
तो ये किसने किया? एक्सोनल एंड ने बेटा, ठीक है। ऑप्शन बी ऑप्शन सिक्स का क्वेश्चन नंबर सिक्स, बीटा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, जुझर, क्वेश्चन नंबर थर्टींथ, थर्टींथ पे आ जाओ जल्दी से, थर्टींथ एंड सिक्सटींथ हमने करना है। यस जुझर सिंह, क्वेश्चन नंबर थर्टींथ। क्या जो ऑप्शन जो ये एक्स है, ये वाला एक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्स, साइनैप्स। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्टींथ बीटा, वेरी गुड। चलिए जी, देन सान्या, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, सान्या एब्सेंट। एब्सेंट है सान्या। प्रभनूर, जल्दी से आ जा बेटा, कहां से कहां को जा रही है आप देखना, सिर्फ एरो ही देखने हैं। हाँ आंसर क्या आएगा, कौन सा पार्ट बेटा? सी, लड़कियों ने बता दिया लगता है तुम्हें, इट्स सी है ना, दैट इज एक्सोनल एंड से डेंड्राइट्स की तरफ, बिल्कुल ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, 19 बैठो बेटा, ये मैं बता देती हूँ कि हमेशा यहां से यहां ये जो रिसेप्टर्स है ये पीछे क्यों नहीं जाते हैं? इसको एक्टिवेट कर दिया, फिर इसको एक्टिवेट कर दें, तो ऐसे ही ऐसे चलती रहेगी। बिकॉज एसिटाइल कोलीन जब एक बार यहां पर बाइंड कर जाता है तो वो टूट जाता है। एसिटाइल कोलीन वंस बाइंड्स विद द रिसेप्टर ब्रेक्स डाउन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बीटा, क्वेश्चन नंबर 19 बीटा, राइट। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच, आई होप ये समझ में आया होगा। और ब्रेन के फंक्शंस, आपकी मैम ने भी मुझे कहा था, बाकियों ने, कि ब्रेन के फंक्शंस बच्चों को याद होते हैं और ये सबको सभी स्कूल्स में होता है। तो ये आपने क्वेश्चंस बाकी के, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये करके आने हैं, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।